हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह की शुरुआत हो रही है 8 बजे से, और अभी मैं सुबह जागी थी 5 बजे और मैंने योगा किया, पूजा की। तो अभी मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ अपने यहाँ बरांडे में। तो अभी मैंने खाना भी बनाना है, तो सब्ज़ी बनानी है आज हमने बैटर गार्ड की। तो चलते हैं किचन में सब्ज़ी बनाने। तो गाइस देखिए, सुबह का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं अपने किचन में आ गई हूँ और अब यहाँ दीदी पका रही है फुलके और मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो पहले सब्ज़ी काट ले रहे हैं, तो मैंने लाई है बटल गार्ड की सब्ज़ी, देखिए। और इनको हिंदी में बोलते हैं करेला, देखिए। आज हमें इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि आज यहाँ हमारे ये बन गए हैं, हमें अभी ये तोड़कर ला लिए हैं। तो हम बनाएंगे अब इनकी सब्ज़ी। तो ये बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं जो कोई खाता है, क्योंकि ये जो बटल गार्ड होते हैं वो कम ही लोग खाते हैं और इनका बेनिफिट ही बहुत ज़्यादा है, खाने चाहिए ये। तो गाइस अभी मैंने करेले काटने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब मैं इसमें काटूँगी करेले। तो गाइस अभी मैं किचन में से काम ख़त्म कर आ गई हूँ और मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी कर दिया है। तो अभी आपको दिख ही रहा होगा चारों साइड धूपी धूप हो रही है अभी, और मैं अभी यहाँ अपने लेंटर पर आई हूँ। तो मैं अभी छाँव में हूँ और अभी मैं धूप में आ गई, देखिए अब मैं धूप में हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ का थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखा लेती हूँ उस साइड का, और फिर यहाँ पर लेंटर पर बहुत कुछ रखा गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देख लीजिए, सामने का व्यू ऐसा हो रहा है यहाँ पर, और चारों साइड हरियाली हरियाली है, और आपको यहाँ पर हिली एरिया दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों साइड माउंटेन ही माउंटेन है। और देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा है धूप में, तो यहाँ पर हमने गेहूँ रखे हैं धोकर, पापा जी ने गेहूँ सुबह धोए हैं और अभी धूप में रख लिए हैं। देखिए गेहूँ इनका हम अपने, हमें मशीन है आटा पीसने वाली, उसमें हम इनको लगाएंगे और फिर बन जाएगा इनका आटा। तो देखिए हमने दो कर रख लिए हैं और अब मैं इनमें कुछ नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कल मम्मा जी ने मिर्ची भी चुनकर रख ली है, और यहाँ पर सूखी हुई मिर्ची, देखिए ये वाली मिर्ची जो है ये सूख चुकी है, और यहाँ पर टमाटो भी रखे हुए हैं जो कि सर्दियों के लिए बनाते हैं, और देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा सूख गए हैं। और गाइस देखिए नीचे, यहाँ हमारे घर से थोड़ा नीचे क्या डाला है धूप में, तो ये होती है ऊन जो कि भेड़ों से निकाली जाती है, और वो देखिए कितने एरिया कवर हो चुका है। और ये रहा कुछ सामने का व्यू, और लौकी का पेड़ देखिए कितना लंबा बन गया है, और हमारी ये बाड़ी आ गई नीचे जो कि जिसमें मिर्ची बनती है, और ऊपर देखिए फ्लैग जो है वो कैसे लहरा रहा है, हमारी आन और हमारी शान देखिए। और यहाँ पर दूसरा तिरंगा भी लगाया गया है जो कि बीजेपी का है, और यहाँ पर देखिए पता नहीं क्या ढाला है ये कुछ, ये भी ऊन जैसी होती है जो कि बेड बिस्तरे के
नीचे ढाला जाता है इसमें वही बनते हैं। हम इसको बनाएंगे तो इसका बन जाएगा बिस्तरे के लिए। और ये रहा मेरा घर, देख लीजिए। और ये रहा हमारे पड़ोसियों का घर। और हमारा बरांडा कितना अच्छा दिख रहा है। और हमारे बरांडे में बहुत ज़्यादा हरियाली है। देखिए हमारा बरांडा में दो फ्लैग लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अंगूर का पेड़, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में दिखाई देती हूँ। और देखिए आज ये भी कितनी हरी भरी हो रही है। और ये आगे ब्रिंजल के पेड़। और ये यहाँ पर आ गया एक मक्खी का पेड़। तो देखिए अभी हवा हो रही है, इस कारण से पेड़ जो हैं वो हिल रहे हैं। और देखिए पेड़ ऊपर अखरोट का पेड़ भी कैसे हिल रहा है। और दीदी आपको दिख रही है वहाँ पर है दीदी। और ये यहाँ पर दूसरे पेड़ भी हैं। पेड़ों से हमें ठंडी ठंडी हवा भी मिलती है, तो इसलिए हमने अपने घर के नज़दीक ही पेड़ लगाए हैं। तो गाइज़ अभी मैं वीडियो बनाते यहाँ इधर आ रही थी अपने घर से थोड़ा इस साइड, तो मुझे पता है यहाँ पर कौन मिला। दीदी यहाँ पर आगे ही पहुँची हुई है, पता नहीं क्यों ये मुझे नहीं बोलती। मैंने आपको पहले बताया था ना, ये मुझे नहीं बोलती, जहाँ भी जाती है मुझे नहीं बोलती। मैं तो अपनी आई थी यहाँ वीडियो बनाते, मतलब मैंने से इधर उधर का थोड़ा सा व्यू दिखा लेती हूँ आपको। देखिए लगी है फ़ोन देखने, वाह 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 वाह। क्या देख रही हो फ़ोन में? तो आप क्या करती हो फ़ोन को 24 घंटे? मैं कहाँ देखती हूँ 24 घंटे, मुझे बेचारी को टाइम ही नहीं लगता है। बोलो बोलो, इधर इधर किस लिए आए फिर? मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आई थी। तो इधर मेरे पास रुक के? हाँ, फिर मुझे आप दिखे तो मैं क्या करती। मैं भी कुछ अपनी ये कुछ अपने फोन में कुछ 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 देख रही थी। कुछ 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 क्या 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 क्या? जरूरी थोड़ी है आपको बताऊँ। क्यों नहीं है जरूरी? मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, सच में बता देती हूँ। मैं जा रही थी ऊपर। कहाँ ऊपर? ऊपर जहाँ जाती हूँ रोज। किस लिए? वहाँ पे इतना अच्छा नेटवर्क होता है, इतना अच्छा नेटवर्क। घर में थोड़ी नेटवर्क की इश्यू प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसका। हाँ इस ये बात तो सच है, पर अभी धूप में क्या ज़रूरी है? कितनी ज़्यादा धूप हो रही है अभी। मैंने सोचा तब तक मैं आस्ता आस्ता चलूँगी, तो तब तक थोड़ी सी धूप जो है यहाँ पे जल्दी चलती चल जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ तो 3 बजे धूप चल जाती है। घर में 3 बजे चल जाती है, तो ऊपर तो 1 बजे तो थोड़ी थोड़ी चल जाती है। तो इधर 3 बजे तक तो अभी बज रहे हैं 1:30, तो तब तक 2 बज जाएंगे, तो चल चल तब तक धूप ऊपर से आ गई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नज़दीकी है ना ऊपर, कौन सा हमने दूर कहाँ जाना है? इधर ही ऊपर है वैसे तो, मुझे पता है। तो मुझे क्यों नहीं बोलता फिर? आते हाँ हाँ, मैंने वैसा ब्रेकफास्ट बनाया है। देखना अभी 1:30 बज रहा है और लड़की बोल रही है मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था सुबह, आपकी टर्न है लंच बनाने की। तो आपने तभी लंच बना लेना था। सब्जी है थोड़ी सी अभी, तो फुलके बनाने बस। लंच बना रही है पर इसमें काम ही नहीं, तो क्या बोलूँ क्या बोलूँ। सच में मैंने सुबह लंच बनाया था, दीदी ने कुछ काम ही नहीं किया। हाँ पर मैं अपने फुलके क्या बनाए थे, फुलकी क्यों क्यों पे आए थे आप बना रहे खुद, मैं क्यों बना रहा हूँ? मैंने वो नाम ले रही है अपना। नहीं दीदी ने फुलके बनाए थे, मैंने सिर्फ सब्जी जितनी बनाई थी, तो फिर अंदर की सफाई भी मैंने की थी, ठीक है ना? जोर बोलने की जरूरत नहीं है। ओ वाओ, एक चीज क्या नाशपाती के ऊपर ना कितना बड़ा वो लौकी। ओहो नो, ऐसा लोग तो मैंने कभी देखा ही नहीं। देख लो अभी देख लो, नहीं कितना अच्छा है। तो देख लो दीदी की नज़र कितनी तेज़ है, और दीदी की नज़र कहाँ पर पहुँच गई, नाशपाती का पेड़ जो है उस पर दीदी की नज़र गई। और वहाँ पर कितना प्यारा लौकी दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए। और जो ये लौकी का पेड़ जो है ना, ये बहुत ऊपर तक ऊपर 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 तक गया है। और ये आ गया नाशपाती का पेड़, और इसकी टहनियाँ ऐसी हैं कुछ। और अभी हवा हो रही है यहाँ पर, और पेड़ देखिए कैसे हिल रहे हैं। और ये अखरोट का पेड़ आ गया,
देखिए मेहमान हमारे कैसे बैठे हैं। जी सब मेहमान हो ना यहाँ पर, वैसे आए हो, कोई कुछ नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं मिला अभी, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अखरोट का पेड़, दूसरा हमारे यहाँ अखरोटों के पेड़ों की कोई कमी नहीं है। एक ये वाला अखरोट आ गया, और एक यहाँ पर आ गया, और एक वहाँ पर आ गया। यहाँ पर ना अखरोटों की कोई भी कमी नहीं है। तो आज का मौसम हो रहा ऐसे, तो मौसम है ऐसा, तो आप खुद भी देख लीजिए, पर आज धूप जो है बहुत तेज हो रही है। तो गाइस अभी मैं आई हूँ अपनी बकरी के साथ बकरी चराने, तो मैं आपको बकरी दिखा देती हूँ। तो मैं अपने घर से बहुत ज्यादा ऊपर रही हूँ, तो मैं आपको बैक कैमरा करके सब कुछ दिखाती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं आई हूँ वहाँ से पूरा व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो पहले मैं आपको बकरी चरते हुए दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको व्यू दिखा लेती हूँ, तो देख लीजिए। देखिए गाइस बकरी जो है कैसे चर रही है। तो गाइस मैंने पहले आपको बकरी दिखा ली, तो अब मैं इतनी ज्यादा हाइट पर हूँ, तो मैं आपको अब यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, तो देख लीजिए। देख लीजिए गाइस मैं कितनी ज्यादा हाइट में हूँ, और बादल ऊपर कैसे हैं, तो देखिए कितने नजदीक दिख रहे हैं बादल मेरे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाइट में हूँ, और यहाँ का व्यू ऐसा है। गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया है, तो आपको वीडियो कैसी लगी तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।